अस्सलाम वालेकुम नाजीन। नाजीन क्या हाल चाल? ठीक ठाक नाजीन। हमारा ये पालतू जानवर बिल्ली है, देखिए कैटो है, बहुत प्यारी बिल्ली है। कैटो फाइव शे भी चला लेती है गाड़ी गाड़ी से। नाजिर आज का हमारा जो मौजू है नीडर गाज का है। नीडर गाज जो शटर के अंदर से जाम हो चुकी है, व्हील भी हरकत नहीं कर रहा, ये देखें, और गाज भी हरकत नहीं कर रहा, यह आपको आगे पीछे बिल्कुल हरकत नहीं कर रही ये नीडर। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है। नाजिर मूवी देखने से पहले प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए नाजिन, ये व्हील आगे करें तब भी और पीछे करें तब भी फंस जाता है और गाज भी हरकत नहीं कर रहा, ये देखें। सबसे पहले आपने फेस मत्था फेस करके लूज कर कर उतार लेना है, ये देखें। ये मैंने रख लिया और फुट प्रेस भी आपने यहाँ से पेज को लूज करना है और ये देखें। नादिन ये देखें जी, आपको नजर आ रहा होगा नीडर गाज जो है शटर पर टच कर रहा है लेकिन सिलाई नहीं कर सकता, ना ही चल सकता है। तो इसको हम गाज को टाइट करेंगे और शटर की टाइमिंग सेट करेंगे, ये देखें गाज की भी और शटर की भी, ये देखें। ये नीडर गाज फ्री हुआ है, सिलाई मशीन को डब्बे से बाहर निकालेंगे फिर आपको साफ नजर आएगा। ये हम बाहर निकाल लेंगे, ये देखें तो मशीन को उल्टा करने लगे हैं। ये आपने बबल डब्बी निकालनी है बाहर, ये भाई ये देखें नाजी, ये गाज बिल्कुल फ्री है। फ्री की वजह क्या है, ये लैंक आपको नज़र आ रहा है, जिसने गाज को पकड़ा हुआ वो अंदर से पेच लूज हो चुका है, इस पेच को हम टाइट करेंगे। ने क्या करना है, गाज को चेक करना है कहीं सुई निडल सुई गाज पर या शटर पर किसी चीज़ पर टच तो नहीं कर रही, जिसकी वजह से बाद में ये सुई की नोक ख़राब करे या सिलाई ना करे, ये आपने चेक करना है यहाँ से। अब क्या करेंगे, हम मशीन को सीधा करेंगे। अगर निडल गाज आपकी नीचे है ज़्यादा डाउन है तो सुइयाँ तोड़ेगी, अगर ज़्यादा ओपन है यानी ज़्यादा ऊंची है तो फिर भी सिलाई नहीं करेगी। तो आपने क्या करना है, इसका टाइमिंग अच्छी तरह सेट कर लेना है गाज का। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नीडल गाज का टाइमिंग कैसे, कैसे सेट करते हैं, इसकी सेटिंग बताते हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर आपने लिंक रख लेना है, यहाँ पर व्हील घुमाकर यहाँ पर, और गाज को यहाँ से आपने पकड़ लेना है यहाँ से, और ये पीछे से आप होल देख रहे हैं, ये देखें पीछे आप होल देख रहे हैं, यहाँ पर आपने छोटा सा पेचकस लेना है जिसका ये साइज हो, और पीछे से एक पेच होगा लैंक के पीछे से, आपने वहाँ से थोड़ा सा टाइट कर लेना है, ज़्यादा टाइटिंग है थोड़ा सा करके फिर सेटिंग करनी है,
जैसे मैं कर रही हूँ, देखें हल्का आपने टाइट किया, गाज हरकत करने लग गया। देखें इसकी सेटिंग अभी हो ही नहीं है, अभी मैंने करनी है। नाजी देखें यहाँ पर नीडल सुई लगने से, इस पर टच करने से यानी कि बार बार लगती रही है और यहाँ पर निशान पड़ गए हैं नीडल पटरी पर। ये देखें आपने फिर सिलाई मशीन को ऐसे कर लेना है। नाजी ये देखें नीडल गाज की नोक यहाँ पर आपने देखा है कितनी से थोड़ी सी नज़र आ रही है आपको, सिर्फ आपने अपनी एक फिंगर उंगल यानी कि यहाँ पर टच करनी है, जो आपको महसूस हो के आपकी जो नीडल गाज की नोक है आपको महसूस हो रही है। ये ज़्यादा है और यहाँ पर आप बता रहा हूँ, ये देखें देखें थोड़ा सा आपने नीचे यहाँ पर कर लेना, यहाँ पर आपने इतना सिर्फ जो गाज का नीडल गाज है इसका फासला रखना है यहाँ पर। ये ऊपर देखें मैं क्या, ये लैंक है, लैंक ने आपने पीछे से टाइट कर लेना है यहाँ से। देखें यहाँ से आपने पेच का डालना नीचे और ये पेच है इसके पीछे लैंक का, यहाँ से आपने टाइट कर लेना है जोर से। ये टाइट हो गया, नाजी ये देखें अब ठीक हो चुका है। ये प्लेट स्लैट और फेस मसा वापस लगाएंगे। फेस मत्था लगाऊंगा, ये हो गया और ये देखें यहाँ पर लगाऊंगा, लगी है। ये वापस इस डब्बे में लगाएंगे, ये वापस लगाएंगे। नाज़रीन ये देखें ये मैंने सिलाई मशीन ठीक कर दी है, ये देखें गाज भी हरकत कर रहा है, गाज भी ठीक हो चुका है। इसका टाइमिंग मैंने आपको बताया है गाज को कैसे टाइट करना है। नाज़रीन हमने आपको बता दिया कि कैसे सेटिंग करनी है गाज की। नई वीडियो का इंतज़ार करें, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।